मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी में आयोजित कार्यक्रम सीमांत गांव का विकास कैसे हो इस विषय पर स्कूली छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स के साथ संवाद किया। साथ ही उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों, पूर्व सैनिक संगठन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल, बार एसोसिएशन और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भेंटवार्ता भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शौर्य स्थल, उत्तरकाशी के सौंदर्यीकरण एवं टीन शेड लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शौर्य स्थल में प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज सीमांत गांव के विकास को प्राथमिकता से लिया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज के तहत सीमांत क्षेत्रों में बसे गांवों को विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतमाला मिशन के तहत उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को रोपवे से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें यमुनोत्री धाम भी शामिल है। उन्होंने बताया कि हर्षिल जैसी सीमांत घाटियों में एप्पल मिशन के तहत सेब की खेती को बढ़ाए जाने के मकसद से राज्य सरकार ने एप्पल मिशन में धनराशि का प्रावधान 6 करोड़ से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए कर दिया है, जिससे अधिक किसानों को इससे फायदा मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जितनी भी बातें मेरे सामने रखी हैं, उन सभी बातों को हम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, प्रस्ताव के रूप में बढ़ाएंगे। कुछ हमारे जो तात्कालिक रूप से हल होने वाली बातें, उनका समाधान हम शीघ्रता से करेंगे। हमारे पूरे एजेंडे में है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल का कालखंड उनकी सरकार का पूरा हुआ है और भारत की आजादी के बाद वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके कालखंड में हर वर्ग के लिए योजना बनाई गई है। किसी वर्ग को छोड़ा नहीं गया है, हर वर्ग के उत्थान का काम किया गया है। एक समय वो भी था, लोग मंदिरों में जाने से भी डरने लगे थे, पूजा पाठ करने से भी डरने लगे थे और आज हमारा जो ये धार्मिक उद्भव का जो एक कालखंड आया है, उस कालखंड को मैं बाबा विश्वनाथ की धरती से कह सकता हूं कि ये कालखंड हमारा स्वर्णिम कालखंड आया है